वो एक ही शो कर रहा है। अभी देखो तेरे भाई का जलवा, रेडी रहे ना तेरे भाई का जलवा देख। व्हाट से ऊपर चढ़ जा, ऊपर चिपक जा स्पाइडरमैन की तरह, वरना वो मेरे बैंड बजा देगा। कितना टॉर्पोर है भाई? 60,000 ना बेची है। अरे बाप रे, हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क ड्रैगन हंटर का। तो गाइस आर्क ड्रैगन हंटर का आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रच के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिट्राइडो का लिंक है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। तो आज गाइस हम लोग हमारे पीटी के ऊपर बैठ के जाने वाले हैं गाइस यहां पे। सबसे पहले तो मैं मेटल लेके आता हूं, ठीक है? रुको, मुझे गाइस आज यहां पे जाना है कहां पे बताएं? इसकी आंख भाई, ड्रैगन। इतने मुश्किल से मैंने एक पीटी डेम करा है, तुम ड्रैगन दिखा के मेरे भाई मतलब ऐसे पे फाड़ रहे हो। यहाँ भी कोई तो आवाज आ रही है, जो भी गरीब भाई। कौन क्रीचर है भाई वहां पे? तो उड़ तोड़ रहा हूँ चुपचाप से भाई, अंदर जाके मेटर भाई। ड्रैगन ड्रैगन से बचना है थोड़ा सा गाइस, बहुत ज्यादा नॉटी है। और मैंने ना सर्वर का हार्वेस्टिंग जो है गाइस वो डिफॉल्ट कर दिया है, डिफॉल्ट मतलब थोड़ा कम कर दिया है। मेरे हिसाब से जो अपना कनेक्शन टाइम आउट हो रहा था ना सर्वर में बार बार, वो इसी हार्वेस्टिंग के रीजन से हो रहा था। इतना ज्यादा हाई हार्वेस्टिंग रखा था मैंने, एक फटका मारने से 10-20,000 मेटल मुझे मिल रहा था, तो शायद से उस रीजन से सर्वर थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। तो मैंने उसको थोड़ा सा भाई ठीक करने के लिए हार्वेस्टिंग रेट नॉर्मल नहीं कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। और अभी मिल रहा है मेटल, ऐसी बात नहीं यार कि अभी मेटल नहीं मिल रहा, अभी भी मिल रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। चलो अरे हट ना भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ओके मेटल भी ले लिया, थोड़ा वुड ले लेता हूँ, घर पे जाके ना पहले मेटल पिघलने के लिए डाल देता हूँ। अरे जल्दी यहाँ से हटो, इतना वुड इनफ है, घर पे चलते हैं। तो यहाँ से भी ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। ओए काम पच्चीस है भाई, फुट से नॉर्मल ही ना पैरों से रस्तू खतरनाक सा, हाँ नॉर्मल ही है। तो इसका भूत बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मिल गया हम लोग को, सामने ऑब्सिडियन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ले बेटा। इलेक्ट्रॉनिक गाइस हम लोग को मिल चुका है, बस मुझे अभी ऑर्गेनिक पॉलीमर चाहिए और कुछ नहीं, ओनली ऑर्गेनिक पॉलीमर और हमारा काम हो जाएगा। फिर हम लोग सोल गन, सोल बॉल सब कुछ बना पाएंगे, और एक क्रॉसबो जो है गाइस वो भी मैं बना पाऊंगा भाई। टेक वाला स्टेगो भी है, बट स्टेगो को भाई मारना थोड़ा मुश्किल है। अरे एक कम था क्या, अभी दूसरा भी आ गया मैंने लग रहा मौत के मुंह के अंदर घर बनाया है मेरा घर का ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। अरे भगवान, अरे बस कर भाई, अरे क्या भाई पूरी रुक जाओ बेटा जी रुक जाओ, नहीं ना 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 रुको बेटा रुको, आप अरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा भाई, पूरी पूरी धरती हिल रही है, तो पूरी धरती हिल रही है भाई। निकल यहाँ से भाई, वाह वो बंदर बॉस भी यहाँ पे आ गया। मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके आता फिर तुमको पता था। उधर ड्रैगन वाले, हाँ उधर भाई ड्रैगन वाले क्या आग लगाई है भाई, सब ड्रैगन वाले को इम्प्रूव कर दिया गया लग रहा है मेरे को तो भाई। तेरा स्टैमिना इतना बड़ा पीडी कि तेरे को जिंदगी में रुकना ना पड़े, तू अगर कहीं पे रुक गया तो समझ लेगा लेना भाई तू ठुक गया।
इतने ज्यादा खतरनाक क्रीचर है यहाँ पे कि रुकना मना है। ठीक है, यहाँ पे स्टैमिना कहीं पे भाई वो करने के लिए रुक जाऊंगा मैं रिकवर करने के लिए। अभी तो उड़े उड़े जा रहा हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है संभल के। भाई इनको तो मैं टेम करूंगा, बस मेरा एक बार सिल्वर बन जाया, सिल्वर मतलब सिल्वर वाली क्रॉसबो बन जाए एक बार, फिर इन लोग को मैं भाई दिखाता हूँ मेरी पावर। एक एक गोली मार के ना इनको नॉकआउट कराना, मैंने देख लेना गाइस, ना नॉकआउट करा तो देख लेना वो गॉडजिला शॉर्टजिला को। संभल के भाई, भाई आप स्टैमिना रिकवर कर रहा हूँ क्योंकि वॉल्केनो पे मुझे पता नहीं गाइस कौन सा खतरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। भाई मेरा गला वो हो गया गाइस, थोड़ा बैठ गया भाई, रुको कोई सीन नहीं है, आराम से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खतरा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बट मैं मैंटिसवा को मारूंगा कैसे, मेरी पीटी में इतना दम है क्या वो, अरे 80,000 रेल दे भाई, घर जाएगा मैंटिस का, घर जाएगा गाइस। रुको भाई, इजीली उसकी पेटी बना देंगे। यहाँ पे गोल्ड शील्ड दिखाई दे रहे हैं, स्पाई ग्लास चालू, ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके सीधा मार दूंगा कल्टी। टेक पैरासोरस, कितना डैमेज है मेरा, 3,000 डैमेज है यार, डैमेज तो ठीक ठाक ही है, उतना भी बुरा नहीं है, उतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, मार सकते हैं इजीली, इजीली मार सकते हैं कैसे मैंटिस मिंटिस को। ये रहा मैंटिस वा, चलो मैंटिस के पास चलते हैं, मैंटिस के तो जा रहे थे कल बेटा, कल मैंटिस बेटा मस्ती नहीं, ठीक है मैंटिस बेटा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं मैंटिस, मैंटिस बेटा मस्ती नहीं। 80,000 भाई, 80,000 घर जाएगा तेरा, ठीक है तेरा घर जाएगा बेटा। इसे तुमको क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, और थोड़े एनाकोंडा को मारना है, थोड़ा एनाकोंडा को मारना है, एनाकोंडा को हमको मारना है प्राइम मिड के लिए, क्योंकि हम लोग को क्रॉसबो बनाने के लिए प्राइम मिड की जरूरत है ना भाई। आवान दे आवा, 16 लेवल पा चुकी है भाई, इसका स्टैमिना इतना बढ़ाऊंगा ना मैं, ये अपना बेस्ट पीटी भाई। ठीक है, इसके अंदर से सामान ले लेता हूँ मैं सारा मेन में, मुझे एनाकोंडास की बाढ़ बजानी है ताकि मुझे प्राइम मिड मिल सके, मुझे भर भर के प्राइम मिड चाहिए। इससे प्राइम मिड ज़्यादा मिलते हैं, 92 भर भर के प्राइम मिड चाहिए। चलो प्राइम मिड की भी खेती बाड़ी कर लेंगे, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है, अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ इससे पहले मेरे ऊपर किसी खतरनाक से क्रीचर का हमला हो जाए, इससे पहले यहाँ से मैं मार लेता हूँ कल्टी। ठीक है भैया, छोड़े गाइस, चलो सीधा भी घर पे चलते हैं, आए तो हम अच्छे से ही है। बाप रे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा, ठीक है निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ तेरे नज़दीक भी, मैं नहीं आ रहा भाई तेरे नज़दीक भी नहीं आ रहा हूँ, आराम से यहाँ से कल्टी मार रही है। एक बार सिल्वर वाली क्रॉसबो बन जाए उसको मैं भाई थोड़ा असेंटेड विसेंटेड बना लूँ। भाई गोरिल्ला ऊ कर रहा है वहाँ पे बैठ, वो देखो ऊ कर रहा है, ऊ कर रहा है, अरे बाप अरे बाबा, लावा बॉल फेंक रहा है गाइस, इसमें अटैक्स वगैरह है ना डायनोस के, वो भी चेंज कर दिए गए, नए नए डायनोस नए नए बॉसेस ऐड कर दिए गए। और मेरे हिसाब से जो आर्मर था हमारा पुराना टाइप, आपको बता होगा जब हम लोग किसी बॉस को मारते थे तो हमको एक आर्मर मिलता था, मे बी वो आर्मर भी ऐड करा गया है वापस से, अगर ऐसा करा गया होगा ना तो भाई साहब फिर तो मजा आ जाएगा भाई, वो आर्मर्स जो खतरनाक थे ना क्या बताओ आपको। भाई ड्रैगन है यहाँ पे घूम के जाना है, ड्रैगन के हाथ तो मरने का भाई मेरा कोई भी आज प्लान नहीं है, इसको मारूंगा पिरामिड भर भर के मिलेगा। हाँ दिल तो डाल मुझे वैसे एक सी वाले डाका बनाने बराबर, ठीक है कितना पिरामिड, 3 पिरामिड मिला मेरे को, हाँ इसने 93 उठा लिया। ठीक है तभी मैं सोचूं भाई इतनी मेहनत मैंने 3 पिरामिड के लिए करी क्या, अभी यार दुनिया हिलने वाली है हमारी गाइस, ठीक है दुनिया हिलने वाली है, पूरी दुनिया हिला देंगे हम। हाँ है भाई दुनिया हिलाने वाले बैठे हैं यहाँ पे, किंग काइजू सिल्वर हिला दे भाई, दुनिया हिला दे, और कोई काम नहीं है भाई, पूरी दुनिया हिला दे भाई।
चश्मा इधर आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे घर की तरफ मुड़ के भी देखा तूने, ठीक है भाई मैं इसको दूर रख रहा हूँ। घर की तरफ, अरे भाई सिल्वर बनाने के लिए क्या चाहिए? टाइटन बॉब एनम लेके आया हूँ, मैं लेके आऊ लकीली। हाँ बे चलो रिटर्न टिकट काटनी पड़ेगी। मैं टाइटन बॉब को तो मारा लेकिन उनका वेनम लेके नहीं आया हूँ। भगवान चल क्या रहा है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ गाइस, मैं जा रहा हूँ, रुको मैं जा रहा हूँ, रिटर्न जा रहा हूँ, रिटर्न जा रहा हूँ। टाइटन बॉ को मार के उसका वेनम लेके आना है मुझे। A few moments later. टाइटन बॉ अंकल कहाँ पे हो? टाइटन बॉ ही मिलना और कोई खतरनाक चीज ना मिलना। मैंटिस वगैरह की जरूरत अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग को नहीं है। सारे टाइटन बॉ विलुप्त नहीं हुए, ये रहे ये रहे ये रहे, इनका वेनम ले लेंगे। हेलो अंकल जी, आई नीड योर, मिल गया ना चार इस बार, बराबर इन्वेंटरी में ऐड हो गया भाई। पिछली बार क्यों नहीं हुआ था फिर? इस बार बराबर इन्वेंटरी में ऐड हुआ भाई, ये क्या बदतमीजी। पिछली बार भी तो मारे थे मैंने टाइटन बोआ, उस टाइम तो ऐड नहीं हुआ, इस बार बराबर भाई चार वेनम ऐड हो गया। बताओ पिछली बार ही हो जाता तो इतना ज्यादा मुझे भाई मेहनत करनी नहीं पड़ती यहाँ पे आने में। चलो कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं, आराम से चल रहे अभी, ठीक है। ये भाई वो सिल्वर बन जाएगी ना, सिल्वर बनाने के लिए और क्या चाहिए? पॉलीमर तो है मेरे पास, टाइटन बॉब वेनम में एक का डबल कर लूंगा, ठीक है। इस सिल्वर को असेंडेड करेंगे उसके बाद तो भाई मचाएंगे। चलो घर पे चलते हैं। A few moments later. ये गाइस दोनों तो अभी तक हमारे घर के आजू बाजू ही घूम रहे हैं। चलो अच्छी बात है, घूमने दो, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। कोई बस इसके ऊपर हमला ना कर दे। टाइटन बॉब वेनम को एक का डबल कर लेता हूँ मैं, बराबर। बाकी सारी चीज़ें हो रही है आराम से, एक का डबल, ठीक है। सो सबसे पहले एक एक करके हमारी सोल गन वगैरह बनाई जाए। ये बन गई सोल गन, ये वाले फोर्ज भाई थोड़े चाहिए होंगे मुझे। पॉलीमर 205 कितना है? 140। चलो पॉलीमर एक का डबल हो रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर लगा देता हूँ। टेलीपोर्टर और उसका रिमोट गाइस एक बना लेना है। ये बन गया टेलीपोर्टर, ये बन गया टेलीपोर्टर रिमोट, बराबर। फेक रिमोट, मेगापति का सिल्वर हैज बीन डिफीटेड, उसने मार दिया भाई। वो बंदर भाई वो सिल्वर की बैंड बजा दे। अरे मैंने नहीं मारा है, मुझे क्यों दे रहे हो भाई वो रिवॉर्ड? मारा उसने और दे मुझे रहे भाई, लोग बताओ। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको नाम देंगे हम घर। ये हमारा घर है गाइस, ठीक है। चलो तो अभी मुझे एक फोर्ट जो मैंने बनाई है उसको यहाँ पे लगाना है। ये हमारी सोल फर्नेस है जो भाई आत्माओं को फार्म करने का काम करती है। आत्माएं मतलब ये सोल्स, इसमें अगर हम डालेंगे और इसमें सिल्वर डालना पड़ता है, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है समझ गया। कोई आना नहीं रे, पहले बता रहा हूँ, सिल्वर बना रहा हूँ मैं, सिल्वर बना रहा हूँ। सिल्वर के लिए पॉलीमर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, टाइटन बॉब वेनम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। एक काम करो भाई, यार पानी भाई भाई पानी नहीं है अभी, पानी नहीं है, रुको ये पी लो हंगर पोशन। पानी में जाऊँगा तो पानी में पानी और मिलेगा और साथ में मौत फ्री मिलेगी, तो इसलिए पानी अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए अंकल, ठीक है। क्रॉप लोड यहाँ पे लगाओ भाई, अभी तक दुनिया हिला रहा है पूरी की पूरी। टाइटन बॉब वेनम यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, एक 80 निकाल दिया एक्चुअली मैंने, ये और बनाने के लिए डाले। ऑर्गेनिक पॉलीमर भी निकाल लेता हूँ, यहाँ पे डाल दिया। और भाई बेटा पहले तू ही डैम होगा मेरे से, रुक जा, पहले तू ही डैम होगा, रुक। टाइटन बॉब पहले तेरे को ही डैम करूँगा भाई। क्या हिला रहा है पूरा बेस यार, क्या पूरा बेस हिला रहा भाई है। हमको दो मेन जो चीज चाहिए, ऑर्गेनिक पॉलीमर और टाइटन बॉब वेनम, उसको हम लोग यहाँ पे फार्म कर रहे हैं बॉयस, ठीक है आराम से। नाउ लेट मी क्राफ्ट सिल्वर। सिल्वर बना ली, सिल्वर में लगती है एरोज, एरोज बना ली।
इस सिल्वर को कर लेना है अपग्रेड, उसके लिए बो चाहिए होगी नॉर्मल वाली। भाई बो बनाने के लिए डाल देता हूँ, भाई बो बनाने के लिए डाल देता भाई लगभग 20 बो यहाँ पे बनाने के लिए डाल दी। अभी ये सिल्वर यहाँ पे डाल के इसको अपग्रेड कर लेना। इसके लिए मुझे चाहिए हाइड और बोज, ठीक है। तो हाइड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अभी मुझे बस चाहिए बो। बराबर, स्टोन उठा लेता हूँ मैं, मेरे पास स्टोन कचरे की तरह पड़ा हुआ है। स्टोन यहाँ पे डाल के स्पार्क पाउडर बना लेते हैं स्टोन की। ओके गाइस, यहाँ पे इस स्टोन की बनेगी स्पार्क पाउडर। यहाँ पे बस कर भाई, कितना ही लाएगा यार पूरे बेस को बेटा, कितना ही लाएगा। ओके, अरे भाई लाइट फायर ये क्यों नहीं जल रहा, इसमें मेटल ही नहीं डाला तो जलेगा कैसे भाई। है भाई थैची, अभी ये उठा, ये ले लो बस, इससे चल जाओ। फिलहाल के लिए थैची है मेरे पास, तो को इसमें थोड़ा वुड भी डाल देता हूँ मैं। आप कर दे ना लाइट फायर, इसके अंदर मीट भी डाल देता हूँ। ओके, प्राइम मीट भी कुक करने के लिए डाल देता हूँ, उससे ट्रैकर बनते हैं। ओके, प्राइम मीट किस चीज़ के लिए चाहिए था, एरोज वगैरह बनाने के लिए? ओ नहीं, इसका एक वो बेंच होता है वो बनाने के लिए चाहिए था ना। कहाँ पे गया वो बेंच? एक तो ये चीज़ इसके लिए तो भाई मुझे ब्लड चाहिए होगा खुद का। कहाँ पे ये भी बनाना है मुझे, और इसके लिए तो भाई रुको, ब्लड 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 ये भाई खून निकाल रहा हूँ मैं अपना, रुको मैं अपना खून निकाल रहा हूँ और भाई वो बना रहा हूँ। रुको, और क्या चाहिए था, और कौन कौन सी चीज़ें थी यहाँ पे? और ये कुछ है, ये अपने हैप्पी पोशन से, इसका स्मिथी कहाँ गया? इसके लिए एलिमेंट शिलिमेंट चाहिए भाई, औकात के बाहर की चीज़ें मांग रहे हो तुम, एलिमेंट शिलिमेंट मांग रहे हो। ये वाला नॉट इनफ रिसोर्सेज टू पुल, रेन दो फिर मैं ब्लड निकाल के वो भाई टट्टी वाला कुछ हाउस है वही बना लेता हूँ, ठीक है। वो बन गई है तो अपग्रेड काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी बन गई है, फुल अपग्रेड कर लेना है गाइस इस क्रॉसबो को, फुल अपग्रेड, पूरी की पूरी अपग्रेड जो है ना गाइस वो होनी चाहिए क्रॉसबो। भाई इतना खुद का ब्लड क्यों निकाल रहा हूँ मैं, मेरे पास एक और आइडिया, इस ब्लड को एक का डबल कर लूँ मैं। क्रॉसबो चाहिए होंगी, और क्रॉसबो पॉलीमर और क्रॉसबो चाहिए। आई नीड मोर बो लगभग 50 बोस, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ मिलेगी बताएं? समंदर के नीचे मिलेंगी लेकिन, और मेरे पास ऐसा कोई क्रीचर नहीं है जो समंदर के नीचे जाके तबाही मचा सके। समझ रहे, 160 इसमें बना है। ऑर्गेनिक पॉलीमर और टाइटन को वेनम बन रहा था, उसका ज़्यादा तो सीन कुछ होना नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड टाइटन बो वेनम हम लोग ने यहाँ पे बनाने के लिए तो डाल दिया, वो देखो वहाँ पे अटका पड़ा है और भाई बुम बुम कर रहा है। भाई ये नहीं डालना है, इधर टाइटन बो वेनम डालना है, हो रहा है ना इक्का डबला हो रहा है। यहाँ से भी निकाल लेता हूँ 180। ऑर्गेनिक पॉलीमर ठीक ठाक गाइस हमारे पास जमा हो चुका है। ए सिल्वर बनाने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत थी, प्राइम मीट की मैं भूल गया रुको, सिल्वर बनाने के लिए ज़रूरत थी। यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम लोग को ज़्यादा नहीं चाहिए? ऑयल शेल ज़्यादा नहीं चाहिए ना, 1000 ऑयल इनफ है। मैं ब्लड पैक बना लिया यहाँ पे अभी, ठीक है। सिल्वर बनाने के लिए हम लोग को उस चीज़ की ज़रूरत थी, हाँ, इफ़ आई वांट अ स्टीम बेरी एंड रेयर फ्लावर। बराबर, रेयर फ्लावर तो बन जाएगा भाई, रेयर पाउडर का कोई सीन नहीं है, बट पीस चाहिए ना, और स्टिम्बेरी 300 ज़्यादा ही मांग रहे हो यार तुम, 300 मांग रहे हो। तो वो फियोमिया की कुछ तो टट्टी जैसा एक कुछ तो स्ट्रक्चर था, वो बनाने दो मुझे पहले। ये बन गया, इसको लगा देंगे हम लोग, इसको लगा देंगे यहाँ। ये मीट स्पॉयलर है शायद से, हाँ ये मीट स्पॉयलर है। इच स्टेंट स्टिम्बर प्रोड्यूस वन लार्ज एनिमल फीस। ओके,
मोर स्पॉइल टाइम। स्टिमबेरी चाहिए तुमको अभी, कहाँ से लेके आओ स्टिमबेरी? और यहाँ पे तो नहीं जा सकता, इतना खतरा है, रिस्क है भाई, रिस्क है, रिस्क है। अरे ज्यादा रिस्क है, अबे ऊपर चढ़ जा भाई, बहुत ज्यादा रिस्क है गाइस, ऐसे थोड़ी जा पाओगा भाई यहाँ पे भाई, बहुत ज्यादा ही रिस्क है। रुको, मुझे स्टीम बेरी तो चाहिए, उससे ही सिल्वर बनेगा, उसी से हमारा काम होगा गाइस। रुको भाई, वो और बना ले, कितनी बन रही है? 35 और बन रही है ना भाई, तू 50 और वो बना ले, 50 और वो बना ले, फुल असेंडेड कर डालेंगे, फुल असेंडेड कर डालेंगे कि हमारे सिल्वर वाली गाइस क्रॉसबो को। मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर थोड़ा सा सेफ एरिया है, वहाँ पे स्टीम बेरी इकट्ठा करूंगा मैं। मैं ये गोरिल्ला शुरिल्ला के हाथों मरना नहीं चाहता हूँ, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ से मैं भाई 150-200 स्टिम्बेरी आराम से इकट्ठा कर सकता हूँ, बस कोई मारने के लिए ना आ जाए मुझे। पहले 5 जमा हो गई, 10 हो गई भाई, 150 कब होगी भाई? ऐसे तो जमाना लग जाएगा, 80 भी नहीं, 18, 22, 30, 150 चाहिए थी ना लगभग, सिल्वर बनाने के लिए 150 चाहिए थी कुछ तो। एक सिल्वर बन जाए तो हम लोग उसका एक का डबल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 200 लगभग गाइस मुझे स्टिम्बेरी यहाँ से इकट्ठा कर लेनी है, लगभग 280 हो चुकी है, अभी तक 100 भी नहीं हुई है। और आराम से गाइस हम लोग यहाँ पे फार्म कर रहे हैं, कोई भी हमको मारने के लिए नहीं आ रहा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और गाइस जब तक बेरी फार्म कर रहे हैं तब तक आप लोग एक काम कर देना, हमारी दो और चैनल है, गेमिंग विद एडी और आर गेमिंग, दोनों चैनल को चेकआउट कर लेना। दोनों चैनल का लिंक कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पे आप लोग गेमिंग विद एडी या आर गेमिंग डालोगे तो चैनल हमारे आ जाएंगे, तो ज़रूर से दोनों चैनल को भी चेकआउट कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आराम से जो स्टीम बेरीज हैं वो इकट्ठा करने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। लगभग 200 हम लोग को यहाँ से स्टीम बेरी चाहिए होगी, मैं उतनी स्टीम बेरी उठा के सीधा निकल रहा हूँ, ठीक है। 200 दो, थोड़े एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ, चलो थोड़े एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ, ओके 220। चलो काफ़ी ज़्यादा स्टीम बेरी जो है गाइस वो हम लोग ने यहाँ पे अभी कलेक्ट कर लिया है। पीडी के ऊपर बैठते हैं और सीधा हमारे घर पे चलते हैं, और जो सिल्वर है उसको सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे अभी बुला ले रहे हैं यहाँ पे सिल्वर को, सो लेट मी क्राफ्ट सिल्वर फास्ट। स्टीम बेरी 1900 चाहिए, मजाक बना रखा भाई, और 19 स्टिम्बेरी चाहिए, मैं का डबल करूंगा, चिल्ले लियो बेटा 20 ले ले भाई स्टिम्बेरी, 20 स्टिम्बेरी बन गए, एक सिल्वर बन गए। टर्न ऑफ करके ये सिल्वर को यहाँ पे डाल के टर्न ऑन, ठीक है डन। काम 25 है गाइस, काम 25 है, काम 25 है, और तो सिल्वर को एक का डबल होने दो, तब तक जो हम ऑर्गेनिक पॉलीमर एक का डबल हुआ है वो मैं ले लेता हूँ भाई। ये मेरे ऊपर हमला ना कर दे बस, आ रहा है ना डुडुम डुडुम करके, भाई डर लग रहा भाई मेरे को, मेरे को बहुत डर लग रहा भाई, मैंने इतना प्यार से फेस बनाया वो उड़ रहा जाए यार, ठीक है क्या भाई यहाँ पे चीजें डाल दे जल्दी, टाइटन बॉय है, अब वो चाहिए तेरे को, रुक जा भाई, दियो बो दियो। तो भाई इसको बो दियो 39 बो भाई मैंने यहाँ पे डाल दे तेरे लिए, ठीक है भाई, ये एक और ले, ठीक है ये एक अपग्रेड, ये अपग्रेड, ये फाइनल अपग्रेड था बराबर, 400 का डैमेज भाई, 700 का डैमेज है, 400 का डैमेज क्या भाई, क्या होता है 400 का डैमेज? रेड ब्लूप्रिंट क्या चाहिए बता, क्रॉसबो 26 चाहिए, पॉलीमर 67 चाहिए, क्रॉसबो और 26 चाहिए, 28 क्रॉसबो यहाँ पे बनाने के लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अबे पासे कर मेरी जान, क्या कर रहा भाई तू, कितना दुनिया हिलाएगा भाई, अरे भाई क्या बोले इसको, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, मत मार प्लीज
भाई गलती से नीचे गिर गया था। मेरी तो गाइस हवा टाइट हो गई थी, मुझे लगा ले बेटा मर गया भाई आज मैं, लेकिन बच गया गाइस, बच गया तारा भाई, बच गया गाइस तारा भाई, बच गया। अरे यार ये जो हिला रहा है ना भाई, इसे पूरा का पूरा भाई एरिया, ये मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है भाई इस रीजन से। कैसे हिला रहा है देख रहे हो भाई? रुको भाई, दूसरी चीज है भाई, गोल्ड कहाँ से मिल गया मेरे को भाई? गोल्ड मिड शीट भाई और वो सारी चीजें मिल गई मेरे को, तो पता नहीं कहाँ से मिल गई, पता नहीं यार कहाँ से मिली, कोई तो मरा होगा गाइस, इसमें मुझे गोल्ड वाली चीजें मिली, तो गोल्ड वाला मरा। चलो गोल्ड वाले हाइट को एक का डबल करने के लिए डाल देते हैं, और मेरे हिसाब से इतना पॉलीमर जो मुझे मिला है वो तो मोर देन इनफ ही होगा। उठा लेता हूँ यहाँ से, और जो ऊपर साइड में हमारे क्रॉप प्लॉट थे उसके अंदर बस अभी भाई चीजें सारी बनेगी। इसने परेशान कर रखा, इसने परेशान कर रखा है भाई, भाई देख रहे हो क्या बोले इसको। ओ शांत नहीं, मुझे लगा शांत बैठ गया यार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या चाहिए भाई तेरे को? क्रॉसबो 13 और चाहिए, बन रही है 13 क्रॉसबो बनते बनते भाई मेरा सर जो है ना कैसे पूरा चकराना चाहिए यहाँ पे। बन रही है 13 क्रॉसबो को कैसा बन रही है। बाकी सिल्वर विल्वर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, दूसरी जो चीज़ें वो यहाँ पे डाल देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, ये फेंक देता हूँ मैं, ये यहाँ पे डाल देता हूँ, ये भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ये भी यहाँ पे डाल देता हूँ। सारसर उसका अंडा खा जाते हम लोग। कितनी बन गई क्रॉसबो? और शायद से 8 क्रॉसबो चाहिए होगी मेरे हिसाब से, 9 और क्रॉसबो चाहिए, फिर हमारे पास सिल्वर बन के रेडी हो जाए। पहले जाके नीचे जो गॉडज़िला का बच्चा घूम रहा है ना उसको डेम करूँगा मैं सबसे पहले। कहीं कुछ ज़्यादा ही भाई, बुम 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 कर रहा, पूरी दुनिया हिला रहा है भाई, पूरा घर हिला रहा है मेरा, क्या बताए। 4 गाइस क्रॉसबो और बन गई है, अभी बस 5 और क्रॉसबो चाहिए फिर हम लोग की ये सिल्वर असेंटेड क्रॉसबो बन जाएगी। अभी मैं इसको असेंटेड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये असेंटेड होने के बाद ज़्यादा टॉर्पोर देती है, और ये सिल्वर वाली क्रॉसबो गोल्ड या फिर गोल्ड का ऊपर की जो भी क्रॉसबो होती है उसके लेवल का डैमेज यहाँ पर डील कर पाएगी, समझ रहे हो? इसलिए गाइस मैं यहाँ पर इसको भाई क्राफ्ट कर रहा हूँ असेंटेड वाला डायरेक्टली, मतलब उतना टॉर्पोर दे पाएगी जितना गोल्ड या फिर उसके हाई टायर वाली क्रॉसबो देती है, तो इसलिए इसको असेंटेड बनाना जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वही काम अभी मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूँ। और कितनी चाहिए क्रॉसबो भाई? भाई आखिरी एक क्रॉसबो, फाइनली जो हमारा बेस हिल रहा है वो हिलना बंद होने वाला है, मेरे को बेस हिलना बंद होने वाला है। ठीक है भाई, ये बन गया असेंटेड वाली 755 डैमेज वाली क्रॉसबो भाई, ये यहाँ पे डाल दो, इसके अंदर नॉर्मल एरो लगती है। ठीक है भाई, क्रॉसबो दियो, हुक बनेगा, हुक बनेगा ग्रैपलिंग वाला, ग्रैपलिंग वाला हुक मेरे इन्वेंट्री वाला बना देता हूँ, अनलिमिटेड वाला होता है ये अनलिमिटेड वाला है, ये अनलिमिटेड वाला हुक है, इसको बना के हम लोग हमारे क्रॉसबो पे लगा देंगे ये वाले। यार दिमाग खराब कर दिया भाई इसने। भाई लोड हो जा, हाँ भाई रुक जाओ, मैं थोड़े और 10-12 हुक बना लेता हूँ, 10-12 हुक की वैसे जरूरत तो नहीं लेकिन बना के रख देता हूँ। ठीक है बन गए बराबर, चलो वो एक ही शो कर रहा हूँ अभी, देखो तेरे भाई का चलवा रेडी रहे ना, तेरे भाई का चलवा देते ऊपर चढ़ जा, ऊपर चिपक जा स्पाइडरमैन की तरह, वरना वो फिर बैंड बजा देगा। कितना टॉर्पोर है भाई? 60,000 ना बेची है। अरे बाप रे, सॉरी बाबू मारना नहीं, कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, कैसे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, टेंशन नहीं लेने का, असेंटेड बना के क्या फायदा भाई क्रॉसबो को? एक थप्पड़ में तो उड़ा दिया मेरे को यार, एक थप्पड़ में तो उड़ा दिया भाई उसने, असेंटेड बना के क्या फायदा यार, समझ नहीं आया मेरे को। मुझे लगा गया इसकी असेंटेड वाली एक दो गोली में भाई नॉकआउट कर देगी उसको, फुल भाई ताव में उसके मुंह पे जाके ग्रैपल मारा मैंने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मेरे पास प्लान जेड है, प्लान जेड यूज करेंगे हम लोग, प्लान जेड के तहत क्रॉसबो हमारे इसके बम पे लगेगा। हाँ बिटवा
आजिए बेटा आजिए, अभी मार के दिखा ना क्यों। अरे मार नहीं पा रहा, क्या हुआ मार नहीं पा रहा है। और ले 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 लगनी राव पर तक चैम्पियन किंग काइजू सिल्वर के बच्चे है। क्या हो गया, हवा टाइट होगी भाई। भाग ले चल, भाग ले भाई। भागने का समय हो चुका है तेरा, भागने का समय हो चुका है, तू निकल ले। बोलू बेटा किंग काइजू बेटा मस्ती नहीं भाग ले। कितना लेवल है, 75 लेवल का है ना किंग काइजू बेटा। मस्ती नहीं। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ठीक है, इसलिए बोलते उंगली नहीं करने का मेरे साथ, हम लोग उंगलियां तोड़ देते सीधा। ठीक है, पीडी को यहाँ पे रख देता हूँ मैं, जा रहा हूँ गाइस वो किंग काइजू को टेम करने के लिए। ए भाई वो काइजू बीजू का भाई कोई सैडल वगैरह बन रहा है किंग? नहीं भाई, किंग काइजू का कोई सैडल नहीं बन रहा। सिल्वर मेरे पास 20 पड़ा हुआ है, उसकी मदद से हम लोग इसको टेम करने वाले हैं बराबर। भाई मारे साथ अन्याय हुआ है। अरे यार घर पे टीपी मारता हूँ, रुको गाइस ये मुझे जो है ना गाइस वही नहीं करने दे रहा। ठीक है रुको, अब भाई अपने आपको खिलाने ही नहीं दे रहा भाई। व्हाट इज दिस बिहेवियर, ओह शिट। ऊपर से वहां पे गोल्ड वाला बिरयानिक्स है, मतलब समझ रहे हो, बिरयानिक्स का मन करा ना तो आके फेल के चला जाएगा मेरे को कभी भी। एक्सेस इन्वेंटरी, सिल्वर खा ले, टेम हो गया, बिठा ले। अभी मजा आएगा ना बिड़ू। लेवल अप शेवल अप कर लो। इसका गोल्ड वाले की हेल्थ कितनी है, कितना हेल्थ है? 90,000, मेरे से ज़्यादा हेल्थ है भाई, हमारे से ज़्यादा हेल्थ थी भाई लोग। अभी मेरे से ज़्यादा हेल्थ नहीं है, मारूंगा इतना पता नहीं कितना दूर बेटा। रुक दूर कर रहा है बाग बिरयानी के बच्चे। चल गॉडज़िला को स्टंट करेगा पानी में तू भाई। फ्लावर समझाए गॉडज़िला को। मार गॉडज़िला, मार इसको ना भाई। गॉडज़िला को फ्लावर समझाएगा तूने? 8,000 से 12,000। चल बेटा बिरयानी की बैंड बजाऊंगा, बैंड बजाऊंगा। चल चल और क्या, तू किसको मार रहा है रे? रुक तेरी ले मैं आ रहा हूँ भाई। डोडो रेक्स मेरा दुश्मन चमन डोडो रेक्स बेटा। वेट क्या है ना, जो भी पाप करते हो तुम तो उनको इसी भाई जन्म में भुगतने पड़ते हैं बेटा। डोडोरेक्स तेरे भाई दिन भर गया, निकल तू। वो वन शॉट, इधर डोडोरेक्स के बच्चे आ भाई। नहीं आइयो पेस की है, है? तेरो बन रहा था, मेरे को मार रहा था चमन भाई। लाड में ही पावर देख रहो, पावर। वो गोरिला किधर है? उस गोरिला को भी भाई 1v1 करके आता हूँ मैं, मतलब फ्लावर समझे हो गया मेरे को भाई। FM के पोशन कहाँ पे है? वो इम्प्रिंट करूंगा मैं इसको भी डायरेक्टली, मजाक हो रहा है क्या भाई? सीधा इम्प्रिंट भाई। अच्छा इम्प्रिंट नहीं हो रहा है, चलो कोई ना। वो किधर है? गोरिला का बच्चा किधर है जिसको ज्यादा ही चुल मची थी ना उंगली करने की? भाग गया भाई। अच्छा भाग गया, वरना उसकी पेटी में बना था अपने भाई। इन प्यारे हाथों से दो 28,000 का डैमेज जा रहा है मेरा, मजाक हो रहा है क्या? चलो इसके गाइस और भी ज्यादा अटैक्स अलग अलग तरह के जो है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो इसके पास से ऐसा भुक्का मारने वाला अटैक भाई, लुक तो जबरदस्त है इसका। अबे यार पूरे फ्रेम में ही नहीं आ रहा, ये रहा इसका भुक्का मारने वाला अटैक। इसके बाद इसके पास लेफ्ट क्लिक पे ऐसा भाई नाखून हाथ से मारने वाला है अटैक। सी पे ले जमीन पे भुक्के शुक्के मारने वाला अटैक। इस पे लेफ्ट पट्टो से ओए लात मार के धरती चीर फाड़ कर रहा भाई धरती की। और एक्स पे जमीन भाई दो हाथों से भाई फोड़ने का काम कर रहा है। एक्स पे क्यू पे पूछ मारेगा, आर पे वो कर रहा है भाई और कुछ नहीं है। बस खत्म, इतने अटैक इसके पास है अलग अलग तरह के, उसका डैमेज भी जबरदस्त जा रहा है भाई। तो फ्लावर समझे हो क्या? फायर है अपना भाई ये किंग काइजू सिल्वर। ठीक है कल बेटा कल ठीक है
उसको आट के रख दूंगा, बुक्के चुक्के मार दूंगा। वो ग्रिफिन की भी बैंड बजाता हूँ, ग्रिफिन ने मुझे मारा नहीं है, ये ग्रिफिन को टेम करूंगा कि मैं बैंड बजाऊंगा। मार को बजाने इसकी बैंड। तो ग्रिफिन मुझे कुछ उंगली कर नहीं रहा, तो अभी फिलहाल के लिए ग्रिफिन को जो ना गाइस माफ कर देते, माफ मतलब छोड़ देते हैं, उससे पंगे नहीं लेते फालतू में, ठीक है। चलो लेट्स गो। सो कैसे लग रहा है कि हमारा किंग काइजू, अभी देखो मैं किंग काइजू को डिटेलिंग में यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए अगले एपिसोड में किंग काइजू से सीधा बॉस फाइट करने जाएंगे, तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा। इसको घर पे कैसे लेके जाऊं मैं? हाँ जाएगा जाएगा, साइड से जा रहा है भाई, साइड से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो सो गाइस आपको हमारा किंग काइजू जो है गाइस वो यहाँ पे कैसे लग रहा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरा किंग काइजू जो है गाइस वो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को, वाह मेरे को फॉलो कर रहा था, सीधा पानी में जाके डुबकी मारी है भाई ने, ठीक है। सो गाइस अगर आपको हमारा किंग काइजू जो है गाइस वो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी के लिए ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क ड्रैगन एंटर का वो हो जाता है यहीं पे खत्म, मिलते हैं सिद्धार्थ से अगले एपिसोड में ड्रैगन एंटर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सिद्धार्थ से अगले एपिसोड में भाई, इसको क्राइव करके ऊपर लेके जाऊंगा मैं, चलो बाय बाय सी यू लेटर गाइस। And how careless we yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were